हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। तो आज हम आए हैं चेस्टफील्ड सोफा स्पेशलिस्ट रोहित जी के पास, जो कि जाने जाते हैं क्वालिटी एंड फिनिशिंग के लिए। ये 18 साल से अपने हाथ से सोफा बना रहे हैं। इनकी फैक्ट्री का नाम है आरएम फर्नीचर, जो कि लोकेट करती है मायापुरी दिल्ली में। तो साथ ही आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको सोफा बनवाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आपको मार्केट से आधे प्राइस में ही सोफा मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम यहाँ से सोफा लेकर जाकर बेचते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर रोहित से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो रोहित, एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपना और अपनी इस फैक्ट्री के। सर, आरएम फर्नीचर हमारी फर्म का नाम है। ओके। और ये मायापुरी फेज 2 C82 के अंदर है, बेसमेंट में। ओके सर। और यहाँ पे कस्टमर अपना डिज़ाइन लाता है। ओके। और अपना ही बनवाता है। ओके ओके। और जो चेस्टफील्ड चला है हमारे इधर से, अच्छा, उसकी आप डिज़ाइन देखो, और काफ़ी सारे डिज़ाइन है यहाँ पे। जैसे कस्टमर अपना डिज़ाइन लाता है तो बनवाता है। फैक्ट्री है, आप जैसा मर्जी डिज़ाइन ला सकते हैं। सोफ़ा, बेड, हाई बैक चेयर, लो बैक चेयर, डाइनिंग चेयर, ए टू जेड वर्क होता है सर यहाँ। मतलब कस्टमाइजेशन यहाँ होती है, मतलब जैसे भी कस्टमर फोटो लाते हैं या डिज़ाइन लाते हैं वो सब बन जाता है यहाँ। हाँ जी सर। और जैसे मैं खुद, पता है वीडियो बनाने कैसे आया हूँ, मैंने कहीं पूछा था एक फैक्ट्री है मायापुरी में और वो जानी जाती है सिर्फ चेस्टफील्ड के लिए। हाँ जी सर। उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी फिनिशिंग के लिए, तभी मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं चेस्टफील्ड पे। तो हम ज़्यादातर जो बात करेंगे आज इस वीडियो में चेस्टफील्ड की करेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। तो एक छोटा सा एक बता दीजिए कि चेस्टफील्ड क्या होता है, और अगर कोई चेस्टफील्ड बनवाता है या लेता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखे। आओ सर, मैं दिखा देता हूँ। ओके सर। ओके, तो बताइए सर। ये होता है चेस्टफील्ड सोफा। ओके। वीडियो को काफ़ी सारे जने बना रहे हैं। ओके। और बनवा भी रहे। ओके। और बिक भी रहा है। ओके। लेकिन फिनिशिंग कोई नहीं देख रहा। ओके। फिनिशिंग क्या है, क्या होनी चाहिए। ओके। एक इंची डेढ़ इंची मटेरियल के अंदर माल बना के दुनिया बेच रही है। ओके। लेकिन एक इंची डेढ़ इंची में माल बनता भी नहीं है ये। ओके। ये होल जाता है कम से कम ये मान लो कि ढाई इंची अंदर। ओके ओके, ठीक है सर। 3 इंची इसमें मटेरियल लगता है बैक के अंदर। ओके। 1 इंची ईपी, 2 इंची सॉफ्टी। ओके। फैदर का गद्दा लगता है सीट के ओके, अंदर। ओके, ठीक है, 4 इंच का। ओके। और जो बैक पे जो फोम लगाते हैं वो फैदर होती है? नहीं सर, वो फैदर नहीं होती, वो सॉफ्टी होती है। मतलब सॉफ्टी फोम होती है। एक चीज मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये असली चेस्टफील्ड तो ये नहीं है। ये बिल्कुल असली नहीं है, ये मॉडिफाइड है हमारा। हाँ, ये मॉडिफाई होता है। हाँ जी। क्या है, कस्टमर राउंड लेते थे पहले। ओके ओके। उनके माइंड में आया कि ये पूरा होना चाहिए चेस्टर। जो ट्रेडिशनल मेरे ख्याल से जो चेस्टफील्ड होता है उसके रोल आर्म्स होते हैं, मतलब आर्म गोल होते हैं उसके। हाँ जी सर, उसके अंदर हमारा एल शेप भी बना हुआ है। ओके, एक वो चेस्टर बना हुआ है। ओके, एक बार पहले उस साइड में हमने ट्रेडिशनल के बारे में बात करते हैं और चल के। हाँ जी, फिर इसके बारे में बताते हैं, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है सर। ओरिजिनल चेस्टफील्ड ये है। ओके ओके। तो ये डिजाइन हमारा ओरिजिनल, जो हमारा ट्रेडिशनल है। हाँ जी सर, जो काफी सालों से आ रहा है मेरे ख्याल से। काफी सालों से सबसे पहले यही सोफा बनता था, और ये बनता था लेदर में, प्योर लेदर में। हाँ जी सर। वेल्वेट तो आपके पास स्टार्ट हुआ है लेदराइट में, उसके बाद में आया स्वेट वेल्वेट में। ओके ओके। जो ये अब चला है। ओके, जो मेन आप कहने का मतलब है, जो हमारा मेन ट्रेडिशनल जो चेस्टफील्ड है वो ये, उसका डिजाइन ये है ये, पर इस पे प्योर लेदर लगाई जाती थी। हाँ जी सर। फिर कम से कम 40 साल पहले का डिजाइन है, और मेरे पापा भी यही काम करते हैं। मेरे 4 ताऊ हैं, वो भी यही काम करते हैं। हमारा फैमिली बिजनेस से ही है। तो मतलब इसमें आप कॉस्ट कटिंग के लिए प्योर लेदर देखिए बहुत महंगी आती है। हाँ जी सर। तो अब जो लेदर आती है मेरे ख्याल से 200 मीटर भी होगी, 500 भी होगी, 1500 मीटर भी होगी, ठीक है? लेदर मीटर के हिसाब से आती नहीं है, लेदर आती है फिट के हिसाब से, कम से कम 400-500 रुपए फिट। वो प्योर लेदर थी। हाँ जी सर। हम जो अभी जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, जो आजकल लेदर बनने लगे, रेक्सिन जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, लेदर लेदर फोम या लेदराइट जिसे हम कहते हैं, तो वो कॉस्ट कटिंग के लिए वो बनाया। हाँ जी सर। चेस्टफील्ड थोड़ा सस्ता हो जाए। हाँ जी सर। अब उसको और सस्ता करने के लिए आप वेल्वेट लगाने लग गए हैं। हाँ जी सर। और उसका डिजाइन थोड़ा मॉडर्न कर दिया, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया। हाँ, तो इसके आम से हमने का सीधा कर दिया, पहले रोल्ड होते थे, ठीक है? हाँ जी सर। तो वापस अपने उस चेस्टर पे चलते हैं जो आप दिखा रहे थे। तो ये आ गया हमारा वही जो अब मॉडर्न चेस्टफील्ड, हम इसको खाली चेस्टफील्ड नहीं बोलेंगे, मॉडर्न चेस्टफील्ड बोलेंगे, ठीक है सर? तो बताइए इसके बारे में। सर, ये 2-सीटर होता है। ओके। 5x3 का होता है। हाइट इसकी होती है 2.5 फीट। 2.5 फीट हाइट होगी हमारी। किसी के घर में, ड्राइंग रूम में काफी अच्छी तरह आता है ये। okay, okay. ये 2-सीट सोफा है हमारा। okay. तो आपने इसकी डायमेंशन क्या बताई थी? 5x3। 36 इंची का हमारी इसका ये डेप्थ होगी हमारी, बाहर से बाहर 5 फीट ऐसे ही है। इसकी चौड़ाई हमारी 5 फीट होगी, 60 इंची की। 2 फीट अपना ही है। 2 फीट अपना ही है। तो इसकी जो अंदर की जो ये होती है सीटिंग होती है वो कितनी होती है? सीटिंग हमारी आ गई ये आ गया 24 इंची है ना,
ये आ गया 44 44 हाँ जी सर। तो हमारे जो मतलब पर शीट के हिसाब से नापी जाती है, 22 के हिसाब से नापी जाती है सर, 22 इंच के हिसाब से पर शीट नापी जाती है। हम गहराई इसके अंदर पूरी देते हैं, कस्टमर आराम से बैठ जाए। कोई 21 इंची कहता है, कोई 22 इंची कहता है, मतलब 21-22 इंची हम पर शीट नापते हैं। जो आर्म्स के अंदर अंदर जितना सिटिंग एरिया होगा उतने इंचेस के हिसाब से हमारा डिवाइड हो जाएगा कि इतने सीट्स होगा। नहीं तो कोई कहते हैं कि इसमें दो पार्टीशन, सिर्फ दो गद्दियां दिख रही है, तो कोई कोई कहता है कि ये टू सीटर सोफा है, पर ये टू सीटर नहीं है। अगर आप इनका आर्म्स, दोनों आर्म्स के बीच में देखेंगे तो आपका लगभग जैसे आपने कहा 22 इंची, तो 66 इंचेस होगा या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा सर, उससे ज्यादा होगा। हाँ जी, तो इसे हम थ्री सीटर कहते हैं, मतलब 22 इंच मतलब हमारा एक सीट हो गया। हाँ जी, उसका थ्री सीट का साइज होता है 7 फीट 7x3x2.5। ओके ओके, तो इसकी फिनिशिंग की मैंने जैसे बात करती है स्टार्टिंग में कि आप जाने जाते हैं चेस्टरफील्ड के लिए, आप जाने जाते हैं, और इसकी फिनिशिंग के लिए। हाँ जी सर, सर इसकी फिनिशिंग ओके, मेजरमेंट टेप ले लो और इंची टेप पूरे में लगा लो आप। ओके, मतलब क्विल एक सूत भी इधर उधर नहीं होगी ये। ओके, ये देखो सर, ओके पूरा। ओके सर, क्या बात है, इसका ये पैटर्न चलता है क्विल्टिंग का, जो पैटर्न यहाँ होएगा ना वही पैटर्न पूरा घूम के, अच्छा वही साइड में आ जाएगा, हाँ वही पैटर्न पूरा चलेगा, और ये हमारे बैक पे भी हो जाता है, जैसे ये इस पे देख रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, ये हमारा बैक पे भी आ गया। ठीक है, ये हमारा बैक पे आ गया, अब ऐसे ही घूम के आप आ गया हो। ओके, ये देखो पूरा एक ही मेजरमेंट रहता है इसका, ये घूम के ये पूरा ही आ गया, ऑल ओवर चलता है। अगर कोई कहते हैं कि हमें शीट पे भी क्विल्ट करवानी है, हाँ जी सर वो भी हो जाती है, वो भी हो जाती है, वो भी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ अब कि क्विल्ट किसे कहते हैं, मतलब क्विल्ट की क्या पहचान है। जैसे कि आप इसकी प्लीट्स देख सकते हैं, ये एकदम सीधी और टाइट आ रही है, ठीक है, और इसकी टफ्टिंग देख सकते हैं क्या गहराई है इसकी। हाँ जी, और कुछ लोग मैंने कई चेस्टरफील्ड देखे हैं, यहाँ झोल आ रखा होता है, रिंकल्स आ रखे होते हैं, ढीली पड़ती है ये। मेन बात ये है, इस चेस्टरफील्ड के अंदर बटन अंदर सेट होएगा। ओके ओके, चेस्टरफील्ड का यही है ओरिजिनल डिजाइन। ओके, किसी के बटन ऊपर तैर रहे होते हैं वो चेस्टरफील्ड नहीं होता, वो तो डिजाइन का नाश मानना होता, और नहीं वो मार्केटिंग तो खराब करना वाली बात, मटेरियल थोड़ा कम कर दिया। मैं मेन बात करूं जो इसकी प्लीट्स बनी हुई है, जिसकी ये आप इसे प्लेट कहते हैं, क्या हाँ जी प्लेट बोलते हैं, वैसे प्लीट्स हम प्लीट्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेट प्लीट्स एक ही हो गया। तो ये कितनी एकदम मतलब एकदम सीधी है, कोई रिंकल नहीं है, एकदम टाइट है। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए आपके पास स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है सोफे का। सोफे का स्टार्टिंग प्राइस है हमारे पास 6000 रुपये पर सीट। 6000 रुपये पर सीट, हाँ जी, ये चेस्टरफील्ड हमारा 8-8.5 में हम कस्टमर को दे देते हैं। 8000 पर सीट में आप कस्टमर को दे देते हैं, और ये मान लो सप्लायर ही हमसे लेते हैं, वो 12000-13000-14000-15000 रुपये तक हमारा आइटम बिकता है। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा। हाँ जी सर, कि आपने सप्लायर की बात करी। हाँ जी सर, तो मायापुरी में एक जाने माने है फर्नीचर स्टोर कोई है, जो मैंने उनकी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, काफ़ी जाने माने चैनल पर। हाँ जी सर, उन्होंने एक बात थोड़ी गलत बोल दी थी, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहूँगा। हाँ जी, कि उन्होंने कहा कि उन वो सोफे पे लगाते हैं फेदर फोम। हाँ जी सर, अब उनको इतना ही नहीं पता कि कौन से कलर की क्या डेंसिटी फोम की होती है। उन्होंने कहा कि जो पीली कलर की फोम होती है फेदर की, वो 28 होती है डेंसिटी। हाँ जी, और जो आपकी 40 डेंसिटी होती है, उन्होंने कहा ब्लू कलर की होती है। हाँ जी सर, 32 डेंसिटी उन्होंने बताया पिंक की, पर असल में मेरे हिसाब से जो येलो होती है, हाँ जी सर, वो 32 हो गई। हाँ जी सर, और हमारी जो पिंक होती है वो 40 हो गई। हाँ जी सर, और जो 28 हमारी होती है वो होती है हरी कलर की। हाँ जी, ठीक है सर, और जो ब्लू कलर होती है वो 50 डेंसिटी होती है। वो 50 डेंसिटी होती है, वो स्लीपर में आती है मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, फेदर में नहीं आती मेरे ख्याल से ना। तो और दिखाई क्या दिखाते हैं आप? जैसे एक डिजाइन हो गया हमारा चेस्टरफील्ड। अच्छा, ठीक है सर, इसके बाद हमारे डिजाइन ये है। ओके ओके, ये काफी अलग सा डिजाइन लग रहा है सर ये। हाँ जी सर, ये गुड़गांव का है। ओके, ये देखो सर। अच्छा, ये क्विल्टेड हमारा क्विल्टेड करा हुआ है। ओके, ये और राउंड सोफा, बड़ा कंफर्टेबल सोफा है। ओके ओके, तुम्हारा ये 4 सीटर है मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, ये 4 सीटर है। जैसे अभी आपने कॉम्बिनेशन दे रखा प्लेन प्लस क्विल्ट का। हाँ जी सर, आपने नीचे ये क्विल्ट का फैब्रिक लगा रखा है, बैक पे प्लेन और शीट पे प्लेन लगा। हाँ जी, अगर इस पे अगर हम क्विल्ट लगाते बैक पे तो कैसे लगा देते? हाँ, ये भी हो जाएगा सर। हाँ जी, ओके, तो ये हमारा ये फैब्रिक है, एक बार दिखा दीजिए फैब्रिक कैसा होता है क्विल्ट वाला एक बार। ओके, तो ये हमारा क्विल्ट वाला फैब्रिक, ये क्विल्ट वाला फैब्रिक है, 6mm फॉर्म लगी होती है, नीचे अस्तर लगा होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब नीचे भी एक कपड़ा लगा हुआ, ऊपर हमारा जो फैब्रिक है वो फैब्रिक हमारे पास सारा मजबूत होता है। ओके ओके, तो एक बार बैक पे दिखा सकते हैं कैसे लगता है एक बार ये? हाँ जी सर। ओके, अब ये कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे हिसाब से, मेरे को तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऐसे। हाँ जी, बैक पे क्विल्ट हो गया, सीट पे प्लेन, और हमारे नीचे भी क्विल्ट हो गया। तो इसका क्या प्राइस रहता है सर? इसका है 10000 रुपये पर सीट। 10000 रुपये पर सीट। हाँ जी सर, इसमें मटेरियल सारा फैदर का डाला हुआ है, मैं सीट में, बैक में,
मतलब पूरा फैदर फॉर्म लगा। और हमारा जो आपका जो फ्रेम होता है, कौन सी लकड़ का होता है? फ्रेम हमारा होता है 1.5x2 में। अच्छा, 2.5 की लकड़ लगी होती है। हाँ जी, लकड़ कौन सी होती है? लकड़ी सारी मरंडी में होती है। मरंडी में होती है। हाँ जी सर। चलो, जैसे पैर वगैरह होता है वो सागवान के होते हैं। सागवान के पैर भी हम आपको दिखाएंगे। मतलब लास्ट में एक बार आपकी जो फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री है पूरी, में एक बार दिखा दो। सर पूरी फैक्ट्री है, काम होता है सारा का सारा यहाँ से लेके वहाँ तक। आज खाली आपके आने पर ये कर रहा था। ओके ओके, मतलब ये आपका कस्टमर का ही बना हुआ है, जाने वाला सारा? सारा कस्टमर का है हमारा, कुछ एक डिजाइन हमारा नहीं रखा हुआ यहाँ पे। ओके, डिस्प्ले पीस एक भी नहीं है, सारा ही कस्टमर का है, सारा ऑर्डर का है और अभी ही लोड होएगा। ओके ओके, अभी चला जाएगा सारा। हाँ जी सर। तो कोई नहीं, अभी लास्ट में एक बार फ्रेम की क्वालिटी भी दिखा देंगे और थोड़ा मटेरियल भी दिखा देंगे। क्या? हाँ जी सर। कब बताइए क्या दिखा रहे हैं? ये सारे ये वो ऑप्शन हो गए हमारे फैब्रिक के। हाँ जी सर। मतलब अलग अलग तरह के फैब्रिक एंड अलग अलग तरह के कलर्स हो जाएंगे। हाँ हाँ जी सर। ओके, कस्टमर आए अपने पसंद का फैब्रिक फाइनल करें, उसके अंदर आइटम करवाए। हाँ जी सर। क्या बात है। एक सोफा हमारा ये है स्ट्राइप में। क्या बात, कितना सुंदर लग रहा है सर। ये सबसे ज्यादा चलने वाला, मतलब सर ये देखने से मतलब बोल रहा है ये सोफा अपने आप की, मेरे को देखो, मेरी फिनिशिंग देखो, मेरी सुंदरता को देखो। हाँ जी, क्या लग रहा है ये सोफा। ये सोफा हर किसी कस्टमर को पसंद आने वाला सोफा ही है। जी सर, मेरे को पहली नजर में पसंद आ गया सोफा। हाँ जबरदस्त। एक तो व्हाइट कलर है इसके अंदर। ओके। स्ट्राइप है, स्ट्राइप बैक पे, एक ही मेजरमेंट है। ओके ओके, ये देखो सर, मतलब बैक पे ये आपकी स्ट्राइप ये स्टिचिंग करी हुई है मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, सारा स्टिचिंग वर्क है, सारा हैंड वर्क होता है बराबर बराबर की। ये हमारा जो ये बने हुए ये स्ट्राइप्स है सर, जो हमारे पैसे होते हैं वो कारीगरी के ही होते हैं। okay, ये okay. नहीं कि जो मर्जी पहला कस्टमर को दे दे उसको समझ नहीं है, लेकिन हमें तो समझ है। तभी कहते हैं सर, देखो कुछ महंगी चीज बनवाओ या महंगा कपड़ा लगवाओ, हाँ जी, तो महंगे कारीगर से ही बनवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कोई मतलब कारीगर, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सस्ता कारीगर, वो भी कारीगर है, वो भी काम करते हैं। हाँ जी सर, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। 12 साल की एज से मैं ये काम करता हूँ। ओके ओके, पढ़ाई लिखाई मैंने ज्यादा करी नहीं है। अब आपकी क्या एज? आज अब मेरी 30 साल की एज है। तो मतलब मेरे को 18 साल इस लाइन में, तभी आप मतलब इस चीज के लिए जाने जाते हो फिनिशिंग के लिए। हाँ जी सर। तो बताइए इसके बारे में, क्या बता रहे थे आप? स्ट्रेट लाइन के अंदर सोफा है, स्ट्राइप है इसमें। ओके, फैब्रिक? फैब्रिक अपना वही स्वेट वेलवेट। अपना ये मटेरियल? मटेरियल सारा फैदर है, सीट के अंदर पीछे सारा सॉफ्टी है। सॉफ्टी है। जो बैक के अंदर हम मटेरियल यूज करते हैं वो सारा सॉफ्टी होता। अच्छा, है क्योंकि कंफर्टेबल रहे। तो एक बार प्लीज बता दीजिए कि आप अपने मतलब हर सोफे पे क्या मटेरियल यूज करते हैं? सीट के अंदर हम करते हैं फैदर यूज। ओके। सारा का सारा 32 डेंसिटी। ओके। कस्टमर बोलेगा हमें 40 डेंसिटी में मटेरियल बना के दे दो या पीयू में दे दो। ओके। पीयू में भी दे देते हैं। पीयू का क्वेश्चन देना। हाँ जी सर। तो जैसे कि हमारा उस पर फैदर लगा था, कस्टमर बोलता है हमें हैवी क्वालिटी चाहिए थोड़ा। ओके ओके, पीयू के अंदर चाहिए, तो हमारा पीयू में भी आइटम बना देते हैं। ये हमारे पीयू गद्दी होगी हमारी। हाँ जी सर। ओके, नहीं नहीं खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिख रहा है तुम्हारी चाली का है। बिगर होल का, बिगर होल का बिल्कुल बेकार होता है वो, किसी काम का नहीं। अच्छा, होता मतलब जिसमें होल नहीं होता, मतलब प्लेन होगा पूरा, वो विदाउट होल होगा। हाँ जी, पूरा प्लेन गद्दी होगा वो, बेकार होएगा। हाँ, वो आता है 350-400 रुपए का। मतलब वो हल्की भी होती है। हाँ जी, वो काफी हल्की होती है, वो साल डेढ़ साल में दब जाती है। ठीक है, ये हमारी 700 रुपए की गद्दी है। ओके, पिन होल दोनों तरफ, पिन होल है बहुत, दोनों तरफ पिन होल है। 700 की गद्दी होगी, इसके ऊपर भी आती कोई पीयू? हाँ जी सर, एक पीयू हमारी यह है। ओके, ये 900 रुपए की गद्दी है। ओके, मतलब काफी सॉफ्ट है, काफी ज्यादा, कम से कम 15-16 साल आराम से चलेगी ये। हाँ ठीक है, 10-11 साल आराम से ये चलेगी। ओके, 10-11 साल ये 15-16 साल। हाँ जी सर। और ये हमारा रबड़ आ गया। अब हमारा होता है आर्किटेक्ट का, इंटीरियर डिजाइनर का जो काम होता है। ओके, वो रेट देते हैं हमें सही। ओके, 10,000 रुपए से उनका स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन। ओके ओके ओके, जो हमें काम देते हैं वो। okay. और पूरा पूरा प्रोजेक्ट देते हैं। okay. वो कहता है कि हमें चाहिए 10-12 हज़ार रुपए पर सीट का सोफा चाहिए। okay, okay. और हमें चाहिए रबड़ में। okay, रबड़ फोम, उनों के लिए हम रबड़ भी यूज करते हैं। जो रबड़ तो मेरे ख्याल से अब तो मेरे बहुत ही कम लगाते हैं, रबड़ पहले लगाया जाता था। नहीं सर, हम अभी भी लगाते हैं। okay, मतलब जिस हिसाब से पैसे मिलेगी उस हिसाब से मटेरियल लगेगा। जो पुराने बड़े बूढ़ों के कहावत है ना, रघुपति दादम राजा राम, और जितने पैसे उतना काम, उतना काम, उतना ही काम होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, मेरे को भी अच्छा लगा काफी सुन के। हाँ जी, ये यूज करूंगा ये लाइन, रघुपति राघव राजा राम जितने पैसे उतना काम। बहुत और ये लेकिन MM foam, ये आ गया हमारा MM foam, ये नंबर वन ब्रांड है मेरे ख्याल से हमारा। हाँ जी सर, फेदर से भी ऊपर MM foam आता है, फेदर से, स्लिप वेल से, हर किसी कंपनी से। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, सब फेदर फोम कहते हैं। फेदर फोम बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं मानता हूँ स्लीपर बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो ब्रांड है, जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, MM foam, और हर कोई नहीं लगाता ना, हर कोई लगवाता। हाँ जी सर, ये MM foam के अंदर हम सोफा बना के दे देते हैं 12-13 हज़ार रुपए पर सीट में। 12-13 हज़ार MM foam में बना के दे देते हैं। हाँ जी, ये हमारी आज भी हमारे पास इसके ऑर्डर हैं। ओके, तो ऑर्डर है। हाँ जी सर,
2800 रुपए का आज के टाइम पे ये है। अच्छा ये गद्दी 2800 रुपए की एक गद्दी। हाँ जी सर, मैं आपको बता दूं ये जो रबड़ फोम, इसे हम लेटेक्स भी कहते हैं, ठीक है, और जो पीयू है हमारी वो मिक्स हो जाती है मेरे ख्याल से रबड़ हाँ जी और जो दूसरी फॉर्म होती है उसे हाइब्रिड बोल सकते हैं, हाइब्रिड लेटेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। पीयू जो होती है सर इसके ऊपर पानी का फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ओके, आप ड्रैगलिंग कितनी बार करा लो कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलीयुथ्रेन पता नहीं ऐसा कुछ होता मटेरियल प्लस लेटेक्स मिलके बनाया जाता है ये हमारा पीयू। हाँ जी, और जो ओरिजिनल जो हमारा जो जाना जाता है क्वालिटी के लिए और हम बल्क के अंदर माल उठाते हैं, इस हमारे हमें 2800 रुपए के पड़ते हैं। इसका प्राइस रेट देख सकते हैं आप, 3700 रुपए लिखा हुआ है। ओके ओके, 3700 की हमारी है। हाँ जी, क्या बात। तो आप मतलब ये सारी गद्दियाँ यूज करते हैं अपने हर सोफे में? हाँ जी सर, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जितने पैसे उतना ही काम होता है। मतलब आप मतलब लोकल तो यूज नहीं करते ना कोई गद्दी? सर मतलब ही नहीं है, हम कस्टमर से सारी बात पहले ही खुल के कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आप फैदर का आप पैसे दोगे तो फैदर का काम होएगा, उससे लोकल के पैसे दोगे उससे लोकल का काम होएगा। तो आपका स्टार्टिंग चेस्टफील्ड 8000 रुपए आपने बताया। हाँ जी सर, तो उसमें क्या लगाते हैं? कौन से उसके अंदर फैदर लगाते हैं, बत्ती डेंसिटी का। अगर उसमें पीयू या ये लगा होता, रबड़ लगा होता, तो जैसे मान लो कि आपने पीयू लगवाई तो 500 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, आपने रबड़ लगवाई तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, आपने एमएम फॉर्म लगवाई तो 8000 प्लस 3000 वो 11000 रुपए पे पड़ेगा आपका। अच्छा, जो अदर अभी वैसे भी दूसरी बात करनी नहीं चाहिए पर मैं इसलिए एक नॉलेज के लिए बस पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे बाहर शोरूम पे मिलते हैं 15-15 हज़ार रुपए सीट चेस्टफील्ड, 12 हज़ार रुपए, तो उन पे क्या लगा होता है? आपको जान नॉलेज होगी कि आप बनाते हैं। सर उन पे लगा कुछ नहीं होता, हम हमसे ही ये मान लो कि माल लेते हैं वो। ओके ओके ओके, पहली बात हम जैसे बंदों को 4-5 बंदों को इकट्ठा करा माल उठा लिया फैक्ट्री से। अच्छा, लेकिन क्या है इसके अंदर हमें 500-600 रुपए सीट हमें आराम से बचता है। ओके, आराम से मेहनत करके सारा खर्चा जोड़ के किसी का 500 रुपए में पेट भर जाता है, किसी का 5000 रुपए पर सीट में नहीं पड़ता। Okay. मतलब जैसे कि आप कितने में सप्लाई कर देते हो? ये सप्लाई वाला जो रेट है हमारा, अगर जैसे कोई दुकानदार आपसे जुड़ना चाहता हो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कहीं पे भी जुड़ना चाहता हो हमारी फिनिशिंग के थ्रू जुड़ जाएगा, तो उनके लिए मतलब जो वीडियो में रेट बताएगा उससे कम ही होगे? हाँ जी सर। और अगर कोई हमारी वीडियो देख के कोई घर के लिए लेने आता है तो उनके लिए कुछ होगी गुंजाइश? सर क्यों नहीं होगी गुंजाइश, होगी ना। हाँ जी सर, तो मतलब आप हमारी वीडियो देख के आते हैं तो प्राइस नेगोशिएट करेंगे, तो मतलब नेगोशिएबल प्राइसेस रहेगी आपके लिए, आप नेगोशिएट करिए यहाँ पे, ठीक है। और कोई दुकानदार जुड़ता है तो उनके लिए कुछ ज्यादा ही नेगोशिएट हो जाएगा यहाँ? हाँ जी सर, ठीक है। कोई बल्क में जैसे हमें ऑर्डर दे रहा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने जैसे बताया कि किसी का 500 वेट बढ़ता है किसी का 5000 में, ठीक है। हाँ जी सर, तो जैसे कि आप बता रहे हैं आपसे ही कोई बहुत से शोरूमों ने लेके जाते हैं, 4 शोरूम को सप्लाई दे रहा हूँ, नाम नहीं ले गया हम उनका, नहीं नाम लेना भी नहीं चाहिए, बेकार है। और वो 15000 की सीट पर सीट आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत से, मतलब कोई इसका 12000 रुपए मार्केट प्राइस रेट है, लोग 12000 रुपए इसको बेच रहे हैं, 15000 रुपए बेच रहे हैं, पर यहाँ पे वही चीज आपको 8000 मिली क्योंकि ये फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी, वो लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है सर। तो ठीक है, आप डिजाइन सिखाते हैं थोड़े, तो आपने मटेरियल दिखा दिया, फ्रेम भी अभी हम दिखाई देंगे आपको, फैब्रिक दिखा दिया, ऑप्शंस कितने आपके पास, जैसे कि ये बताया इसका क्या प्राइस बताया इस चेयर का? इसका सर 7500 रुपये प्राइस है, 7500 पर सीट, तो पर सीट हो गया हमारा। हाँ जी सर। ओके, लगभग 22500 का हमारा सोफा पड़ेगा। हाँ जी सर, ठीक है। कोई 3 बनवाता कोई 3-2-2 बनवाता है, ऐसे बनवाना है ऐसे भी बन जाएगा इसके अंदर। मैं तो सर खुद फिदा हो गया, कभी इन फ्यूचर बनवाऊंगा तो आपसे ही ये सोफा बनवाऊंगा अपने घर। वैसे तो मैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट चेस्टरफील्ड ही है, जो चेस्टरफील्ड मेरे को सबसे अच्छा लगता है, पर ये देखते ही ना दिल आ गया इस पर बस। तो बताइए आप क्या दिखा रहे हैं? ये एल शेप है। ओके, ये एल शेप आपका चेस्टफील्ड सोफा होगा। हाँ जी, 7x9 में बना हुआ है ये। 7x9 में 7x9 फुट में हमारा ये बना। हाँ जी सर, ठीक है। 7x9x3x2.5। ओके ओके, पूरा एल शेप हमारा कंप्लीट है। हैदराबाद के अंदर काफी फ्लैट बन रहे हैं, काफी कस्टमर हमसे काम करवाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर ही जुड़ते हैं वहाँ से, डीलरों का काम होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन। जैसे हमने बताया कि हमारा वही ट्रेडिशनल डिजाइन हमारे जैसे रोल आर्म्स है इसके, और इस अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये 7 फुट ऐसे 7 है, ऐसे 9 हो गया, और ऐसे हमारा 9 फीट हो गया, ऐसे 3 है, ऐसे 2.5 है। ओके, और इसकी हाइट हमारी 2.5 फीट होगी, और इसकी जो पीछे तक डेप्थ जा रही है वो हमारी 3 फीट हो गई। हाँ जी सर, 3 फीट गहराई हमारी 22 इंची है। तो इसका क्या प्राइस रहता है सर? इसका और इसका सेम रहता है 8000 रुपए पर सीट, मतलब चेस्टरफील्ड का 8000 और इसका भी 8000। हाँ जी सर, ठीक है, ये 8000 हो गया। आप क्या दिखा रहे हैं? ये कस्टमर का डिजाइन है। ओके ओके ओके, इसके अंदर पैर लगना बाकी है अभी। ओके ओके, पैर पॉलिश पे गए हुए हमारे। ओके, इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। ओके, लूज है। सेक्शनल सोफा हो गया हमारा ये। हाँ जी सर, एक को उस कॉर्नर पे रख दो। हाँ, एक को उस कॉर्नर पे या एक साथ रख दो। हाँ जी सर, बेड के साइडों में भी रख सकते हैं। ओके ओके, है ना सर। इसमें मेरे हिसाब से अगर हम जो इसकी बैक है, हाँ जी सर, बैक से बैक जोड़े तो
ऐसे भी रख दो। ये देखिए अभी हमारा बन गया एक टू सीटर सोफ़ा, मतलब इसको हम जैसे मर्जी रख सकते हैं, इसको अलग अलग पीस को, मतलब कितना, अब ये आपका टू सीटर सोफ़ा बन गया, कितना सुंदर लग रहा है। तो मतलब इसे हम बोलते क्या वैसे? ये चेस्टरफील्ड बोलते हैं सर, इसे भी चेस्टरफील्ड बोलते हैं। हाँ जी सर। तो ये क्या रुपये पर सीट रहता है हमारा? वही रहता है सर, 8000। 8000 पर सीट है। हाँ जी सर। अगर कोई सिंगल भी लेता तो 8000 रुपये। हाँ जी। अगर दो ले तीन ले तभी 8000 पर सीट। ये पफी है। ओके ओके, ये पफीज होगी। हाँ जी, छोटे छोटे पूफ है, जैसे कस्टमर के घर में थोड़ी बहुत जगह बची होती है। ओके ओके। तो कहता है कि हमें दो पूफ दे दो, चार दे दो। ओके, उस तरीके से हम ये घर में एडजस्ट करते हैं। ओके ओके ओके। इसका 2500 रुपये प्राइस है पर पूफ हमारा, 2500 रुपये। हाँ जी सर, 5000 का इसमें जोड़ा है। Okay. फैब्रिक जैसा मर्जी कस्टमर लगवा okay. सकता है हमसे। तो जैसे कि इसके हमारे बेस पे भी फैब्रिक लगा हुआ। हाँ जी सर, मैं बता दूं इसके अंदर कॉर्नर पे भी हमारा, ये हमारा इसके अंदर रोज गोल्ड लगी हुई हमारी। हाँ जी सर, इसमें लेदर है पर देखने में लग रहा है कोई मेटल लगा हुआ है, ऐसे इसकी शीट लगी जो आजकल सब लगाते हैं। सर सब लगाते हैं, लेकिन उससे नुकसान ही है, उससे हाथ पैर कटने के चांस होते हैं, पर इससे कोई डर नहीं है कटने का? नहीं सर। ठीक है सर, तो इनका आपने बताया 2500 रुपए पर पीस हो गया, पर पीस है सर। ओके, तो जैसे कि आप बताते हैं बेड भी रखते हैं। हाँ जी, ये बेड के सिराने भी हमारे। ओके ओके, ये हाइड्रोलिक बेड के हम बनाते हैं, हाइड्रोलिक बेड जो होते हैं। ओके ओके, वो ही बनाते हैं। तो उनके ये हेडबोर्ड्स हो गए हमारे। हाँ जी सर, जैसे कस्टमर का, ये डिजाइन भी कस्टमर का है, ये डिजाइन भी कस्टमर का है। मतलब यहाँ पे कोई भी फर्नीचर देख लो, मतलब फिनिशिंग 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 देखो इसकी, देखो सर क्विल्ट देखो क्या फिनिशिंग है, एकदम सीधी। कितने इंच बाई कितने इंच की हमारी है ये? 10x7 की क्विल्टिंग है। यहाँ से हमारी 10x ये 7 गिनी जाएगी और हर एक का नाप लो 10x7 ही रहनी है। तो इनका प्राइस अभी रिवील नहीं करेंगे हम। हाँ जी सर, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इससे सारे बेड सिखाएंगे। ठीक है सर, तो इसका अभी डिजाइन देखिए क्या सुंदर है। हमारी जिगजैग है, स्ट्राइप के अंदर। ओके, क्या बोलते हैं इसे? जिगजैग, जिगजैग बोलते हैं। तो ऐसे इसकी हमारी स्ट्राइप्स होगी इस पर और ये फैब्रिक हमारा वही स्वेट वेलवेट होगी। ठीक है, उस पर आप प्लाई लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं? इसके अंदर प्लाई लगी हुई है सर। प्लाई लगती है। हाँ जी सर। अगली वीडियो में पूरा दिखाएंगे, विदाउट पॉलिश भी दिखाएंगे और पूरा तैयार भी दिखाएंगे। हाँ जी सर। तो अब जैसे कि मैंने आपका सोफा देखा, प्लीटेड सोफा। हाँ जी सर। जैसे कितना सुंदर लग रहा है, इसका नाम बताइए कुछ। इसका इसको फ्रील वाला सेट बोलते हैं। आप फ्रील बोलते हो, मैं प्लीट बोल देता हूँ। प्लीटेड सोफा बोलता हूँ। पूरी फ्रील होती है सर। ओके ओके, पूरा फ्रील। मतलब ये सोफा मैंने पहली बार देखा किसी फैक्ट्री या किसी स्टोर में, मैंने नहीं देखा, यहाँ पहली बार देख रहा हूँ और काफी सुंदर लग रहा। तो सर ये हमारे इधर की सप्लाई है, डिजाइन हमारे इधर का निकला हुआ है। अच्छा, आप ही ने बनाया? हाँ, सबसे पहले? सबसे पहले हमने ही बनाया, आज बहुत ज्यादा चल रहा है ये। नहीं चल तो बहुत रहा, मैंने पहली बार देखा। हाँ जी सर। तो बताइए, कस्टमर हमारे पास डिजाइन लाया था। ओके, उसका डिजाइन ही हमने ओके बना के रखा। आप जैसी मर्जी फोटो लेकर आइए, यहाँ पे जैसी सेम मिलेगा, एकदम 19-20 भी नहीं होगा, 20-20 ही रहेगा या 19-19 ही रहेगा। नहीं सर, 19-20 भी नहीं होगा, फोटो से मैच कर लो। वही मैंने बोला, 19-20 भी नहीं होगा, 19-19 होगा या 20-20 होगा। हाँ जी सर, फोटो में 20 है तो यहाँ भी 20 बनेगा, फोटो में 19 है तो यहाँ भी 19 बनेगा। हाँ जी सर। तो ठीक है, बताइए और इसके बारे में क्या बताते हैं आप? ये 3322 का सेट है हमारा। ओके, ये आप देखेंगे पूरा पूरा फ्रिल है ये। ओके ओके, साइड में फ्रिल है, जैसे मैं इसको दिखा दूँ, ये बैक पे इसके फ्रिल हो रखी है। हाँ जी, इसके बैक पे फ्रिल है, मतलब प्लीटेड है हमारी। मैं तो प्लीटेड सोफा बोलूँगा इसे बार बार। हाँ जी सर। तो बताइए, जैसे इसके ये आर्म्स पे लगा हुआ ये गोल्डन सा, ये क्या है ये? सर ये वुड है, सागवान। अच्छा, ये टीक वुड लगी हुई है हमारी। पॉलिश हो रखी है, कौन सी पॉलिश हो रखी है इस पे हमारी? इस पे रोज गोल्ड हो रखा है। कि रोज गोल्ड कलर हो रखा है हमारा। हाँ जी सर। मतलब पॉलिश प्यू है, डीको है, क्या है ये? ये प्यू है सर। अच्छा, ये प्यू पॉलिश है। हाँ जी सर। तो इसका प्राइस क्या रहता है सर? इसका रहता है 8500 पर सीट। 8500 पर सीट इसका? हाँ जी सर। इसमें मेरे ख्याल से मेहनत ज्यादा है इसमें, प्लीटेड जो फ्रिल आप जो कह रहे हैं इसमें काम मेहनत भी ज्यादा है, मटेरियल भी ज्यादा लगता है इसमें, सीट में पूरा डबल पोला फिल लगती है इसमें। ओके, इसमें सारे में डबल मटेरियल लगता है सारा। ओके ओके ओके, फोम डबल करके और फिर डबल पोला फिल पे फिर बनता है ये। ओके ओके ओके। तो जैसे ही मैंने एक चीज नोटिस करी, इससे ये सोफा देख लीजिए। हाँ जी सर। इसकी सीट अलग है और नीचे आप क्या बोलेंगे, इसका बॉर्डर बोले क्या बोलेंगे? हाँ जी सर, बॉर्डर। हाँ, तो वो अलग है और इस पे पूरा वन पीस में आ रखा, पूरा सीट और बॉर्डर मतलब वन पीस में आ रखा है। हाँ जी सर। कस्टमर जैसा हमसे बोलेगा, थोड़ा बहुत हमारे आइटम में चेंज करवाना चाहेगा वो भी हो जाएगा। तो इसका प्राइस क्या रहता है जो इसे साथ रखा हुआ? ये 7000 रुपये पर सीट है। ये 7000 रुपये पर सीट है। हाँ जी सर। वो 8500 रुपये पर सीट है। पर सीट है सर। तो जैसे कि आप कहते हैं कि फेदर फोम लगाते हैं, तो ये रखिए हमारी सारी फेदर फोम। हाँ जी सर। देख, पूरे मैट्रेस ही मैट्रेस आते हैं यहाँ पे सर, मैट्रेस आते हैं पूरे के पूरे। दूसरा ये हमारी सॉफ्टी फोम होगी, बैक में यूज करते हैं सर। बैक पे सॉफ्टी फोम होती है क्योंकि बैक में बंदा बैठता है तो कंफर्टेबल रहना चाहिए। ओके ओके। और कोई क्या करता है, बत्ती डेंसिटी वगैरह यूज कर लेते हैं, उससे कंफर्ट नहीं रहता, हार्ड हो जाता है। ये सॉफ्टी से थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये देखो सोफा काफी सॉफ्ट हो गया इससे। हाँ जी सर। तो ये हमारा फेदर फोम के सारे गद्दे हो गए और ये हमारी सॉफ्टी फोम, और इनका ये फ्रेम हो गया। हाँ जी सर।
ये देखिए, ये हमारा 2.5 मरंडी का फ्रेम हो गया, ठीक है, हमारा फ्रेम है। ओके ओके, ये आपका फ्रेम हो गया 2.5 का। ये पफी बननी है हमारी, एक ऐसे नाप लो 2 इंची, दो है ऐसे नापो 1.5 इंची है, पूरा रंदा लगा हुआ है, पूरा मरंडी है, मरंडी बोलेंगे तो मरंडी ही देंगे, ये नहीं कि कुछ और लकड़ी दे दी, ये भी बेकार है। सागवान बोलेंगे तो सागवान देंगे। ओके तो सर, जैसे कि आपने ये बताया कि आपके स्टार्टिंग 8,000 मतलब 6,500 पर शीट से सोफा स्टार्ट होते हैं। हाँ जी सर, पर देखो कुछ लोग होते हैं जो इतना महंगा नहीं ले पाते 6,500 पर शीट वाला, वो हमसे आके बात करें। ओके ओके, बात करें आपसे। हाँ जी सर, तो उनके लिए भी यहाँ सोफे बन जाएंगे सर, जिसकी गुंजाइश नहीं है ना। ओके, 8,000, 10,000, 12,000 का सोफा लेने की, वो आए हमसे बात करें। ओके, जो भी होएगा हमसे जरूर करेंगे सर। ओके, मतलब आप, मतलब अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है हर कोई इतना महंगा सोफ़ा नहीं ले पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक जैसे नहीं है सारे, किसी के पास थोड़ा है तो किसी का बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, और मार्केट में कुछ लोग होते हैं कि बहुत सस्ते सोफ़े देते हैं पर उनकी क्वालिटी भी एकदम ही गिरा देते हैं, ठीक है सर। सोफे ये मान लो कि 20,000-25,000 में आयशे पूरा देते थे 7 सीट का। ओके, मान लो कि 20,000 रुपये में वो सोफ़ा कोई दे रहा है कस्टमर को। ओके, वो भी कमा रहा होगा उसमें 4-5 हज़ार रुपये, फिर कस्टमर को कितने की, 20,000 के मामले में 18,000-17,000 की चीज मिली। ओके ओके, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई अगर इतना महंगा नहीं ले पाता, हाँ जी सर, तो उनके लिए प्लीज थोड़ा गुंजाइश करके सोफा बनाइए, और उनसे मतलब क्वालिटी इतनी भी मत गिराओ कि वो भी बेचारे बोले कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे खर्च के आपसे लिया और खराब हो गया, वैसा नहीं। क्वालिटी की तो सारी ये बात है कि मटेरियल हम एक बार मंगाते हैं बल्क में, अब ये तो है नहीं कि हमने 10 कस्टमरों का माल तो हमने बढ़िया मंगा लिया, एक कस्टमर का स्पेशल घटिया माल मंगवाएंगे, इस तरीके से भी नहीं हो सकता। पैसे कम में बनाए चाहे ज्यादा में बनाए, कस्टमर हम पहली बात तो खाली नहीं जाने देते। क्या बात है, बस यही चीज। दूसरा, कस्टमर हम खाली जाने नहीं देते, दूसरा हम काम करके देते हैं, करके देते हैं, और जैसा मर्जी डिजाइन बोल दे कस्टमर। अब हमने कस्टमर एक लेके आया था कि ये मुझे ये डिजाइन चाहिए, ये उनको सैम्पलिंग करके दिखाई आपने। हाँ जी, ये मैंने सैंपल बना के दिखाया, किसी शोरूम में से फोटो खींच के लेके आए थे वो। ओके ओके, कि मुझे ये इस तरीके का सोफा चाहिए। ओके, अब ये देखो मैंने हल्का सा सैंपल बनाया सर, काफी सुंदर लग रहा है ये क्वालिटी, इसमें फर्क लग रहा है, मतलब आपने पहले देखा होगा। हाँ जी, उसके अंदर ओके गहराई में जा रहा है। हाँ जी, और ऊपर क्वालिटिंग डबल प्लेट नहीं दिख रही होगी, एक ये एक ये। हाँ जी, है ना? दो दो दिख रही है। हाँ, क्वालिटिंग होती है दो तरीके की, एक होती है कच्ची क्वालिटिंग, होती है पक्की क्वालिटिंग। यह है पक्की क्वालिटी, पक्की है वो, कच्ची सबसे पहले यही होती थी, वो हैंड प्लेटेड थी, ये मशीन से करी हुई, मशीन से करी हुई है, पिटा का खींचा हुआ है। ओके 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 ओके, इसको कहते हैं पक्की क्वालिटी। मतलब कस्टमाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, आप जैसे मर्जी कहीं से ही फोटो ले आइए। हाँ जी सर, वैसा बन जाएगा। तो ये सर की जो फैक्ट्री है, सर के फ्रेम बन रहे हैं सारे। हाँ जी, तो ये बेड के बॉक्सेस हो गए, जो अगले हम वीडियो में सब दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक बेड के बॉक्स है सारे। ओके, ओके, ये भी सारा हाइड्रोलिक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये सारा हाइड्रोलिक लगा, ये अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। और एक फैक्ट्री दिखाते हैं, ये सर की फैक्ट्री है, यहाँ सर का ये सारा फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए सारी मरंडी की लकड़ है यहाँ पे, सारी मरंडी, कुछ भी आइटम उठा लो क्या, ये हमारा पूरा प्लाई है, इसे कहते हैं असली 18mm प्लाई। हाँ जी, बहुत कम जो फैक्ट्री में लेते हैं वो दिखाते हैं, पर आपने दिखाया, खुद ही उठा के दिखाया कि ये लगता है हमारा। बिल्कुल सर, ये सारा हमने सेटअप देख लिया पूरा, अब हमारे पास रह गई एक हाई चेयर। ओके ओके, जो अभी लोड होने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूं। वहीं चलते हैं, तो मतलब अब ये सारा पैक होके जा रहा है यहां से, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, ये हमारी हाई चेयर। ओके, ये हाई बैक चेयर होगी आपकी। हाँ जी सर। ओके ओके, इस अभी फिलहाल तो यहाँ पे एक ही, एक या दो पीस रखे हुए चेयर के, कभी अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो प्लीज मेरे को बताइए, हम वीडियो बनाएंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैसी कैसी चीजें बनती है सर। चेयर जैसी मर्जी बनवा। ओके ओके, ठीक है, सागवान का पैर लगा हुआ है इसमें, ओरिएंटल पैर है इसमें, ओरिएंटल हमारे टी वुड पैर हो गए। हाँ जी सर, साइड पे हमारे ये डेकोरेटिव लेयर्स लगे हुए हैं। हाँ जी, आप क्या बोलते हैं, ये थंब पिंस बोलते हैं सर, थंब पिंस बोलते हैं, मैं डेकोरेटिव लेयर्स बोलता हूं। हाँ जी, वही टफ्टिंग हो रही है हमारी, बैक क्विल्ट है, पूरा क्विल्टिंग हो रही है, क्विल्टिंग की फिनिशिंग देख लो। तो इसका प्राइस क्या रहता है सर? इसका प्राइस रहता है 20,000 का जोड़ा, 10,000 रुपये पर चेयर हो जाती है। हाँ जी सर, ठीक है सर। जैसे कि आपने अपने स्टोर के, मतलब अपनी फैक्ट्री के जो जाते हैं प्रोडक्ट्स बने हुए थे, जो अभी जा रहे हैं, देखिए पैक हो रहे हैं, उनके बारे में सब बता दिया और दिखा भी दिया, और हमें बता भी दिया कि चेस्टरफील्ड होता क्या है। हाँ जी, असली जो ट्रेडिशनल चेस्टरफील्ड क्या था और जो मॉडर्न क्या था। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे कस्टमरों के लिए? ये एक बार विजिट करो। ओके, एक बार आओ, बात करो। ओके, डिज़ाइन आप अपना फाइनल करो। ओके, ज़रूरी नहीं आप हमारा ही फैब्रिक लो। Okay. आप अपना फैब्रिक भी लेके आ सकते हो। ओके okay, ओके okay. अपना फैब्रिक भी लाते तो वो जितना फैब्रिक का जो प्राइस होगा वो लेस हो जाएगा। हाँ जी सर। ओके okay, जैसे okay. मान लो कि हमारा 200 रुपये मीटर फैब्रिक है, 3 मीटर फैब्रिक लगेगा,
600 रुपए कम हो जाएंगे उसके पर सीट पे, 600 रुपए कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जिनका कम बजट है वो भी प्लीज कोशिश करें यहाँ पे आइए, बताइए कि आपका इतना बजट नहीं है। हाँ जी सर। तो भैया कुछ ना कुछ आपके लिए फर्नीचर बनाएगा और अच्छा ही बनाएंगे। हाँ जी सर। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं, क्वालिटी में तो खैर नहीं करेंगे सर। ओके, क्या बात है। क्योंकि इंसान अभी उम्र हमारी है छोटी, 30 साल है, आगे मुझे बढ़ना है, आगे मार्केट बनानी है, नाम बनाना है। हाँ जी सर। नाम तो वैसे ही बना हुआ आपका। हाँ जी सर। पर और थोड़ा बड़ा बनाना है। हाँ जी सर। तो सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच अपने फैक्ट्री के इतने अच्छे अच्छे चेस्टफील्ड सोफा दिखाने के लिए और हमें अपना टाइम देने के लिए। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके घर के लिए हर बार कुछ नया लाएं। धन्यवाद।